Hello everyone, welcome once again to a series of wonderful stories written by your kids. I am going to analyze a story which has been weaved by your kids in such a beautiful manner, and the story is all about mobile phones. एक पिक्चर जिसमें चार बच्चे मोबाइल फोन के साथ में बिजी हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मोबाइल फोन की तरफ ध्यान से कुछ कर रहे हैं. वो पिक्चर स्पीक्स मेनी थिंग्स. इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अटैच टू इट. सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर लक्ष, यू हैव रिटन अ वंडरफुल स्टोरी. योर टाइटल इज द फैमिली with an extra member, and that is mobile phone. कुछ बच्चे एक फैमिली में होते हैं, वो तीन चार बच्चे हमेशा मोबाइल में बिजी रहते हैं, और उनके मोबाइल में बिजी रहने की वजह से उनकी बहुत सारी चीजों पे इम्पैक्ट आने लगता है. बट वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनके फादर उनसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं. वो उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट COVID-19. सो तुरंत उन बच्चों ने जवाब दिया कि COVID-19 इज कोरोना वायरस 2019. सो ही वाज वेरी हैप्पी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट COVID-19 इन डिटेल, बिकॉज वो बच्चे सिर्फ मोबाइल का यूज गेम में नहीं कर रहे थे, साथ साथ वो उसका यूज उसकी एडवांटेज के साथ में भी कर रहे थे, उससे इंफॉर्मेशन भी ले रहे थे. सो बट द प्रॉब्लम अराइज जब एक बच्चे की आंख में प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, और उसको जब मेडिकल चेकअप कराया जाता है और उसको स्पेक्स लगाने के लिए डॉक्टर बोलता है, एंड फ्रॉम दैट डे सारे के सारे बच्चे हैव अंडरस्टूड कि उनको ज्यादा टाइम कंजम्पशन नहीं करना चाहिए. सो इट्स अ गुड स्टोरी एंड ए गुड मोरल. हमें कम से कम मोबाइल फोन का यूज करना चाहिए, लिमिटेड यूज करना चाहिए. नेक्स्ट इज अनुश्री. Anushree, you have also written a very good story. Your title is Technology Needs Good User. आप कहती हैं कि टेक्नोलॉजी एक अच्छे यूजर के लिए बहुत अच्छी होती है. आपकी स्टोरी में भी चार बच्चे हैं, अमन, सांची, राधिका एंड विशाल. ये सारे बच्चे इतने ज्यादा यूज टू होते हैं मोबाइल के कि वो उसके बगैर रह नहीं सकते. बट उनके पेरेंट्स ने जब उनकी काउंसलिंग करी, उनको समझाया कि इसी मोबाइल से दे कैन ड्रैग गुड इंफॉर्मेशन एज वेल इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेइंग ऑन मोबाइल गेम्स. सो वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, एंड दे हैव चेंज्ड दैट रूटीन ऑफ इन्वेस्टिंग टू मच टाइम ओनली ऑन गेम्स. दे हैव स्टार्टेड यूजिंग फॉर देयर बेनिफिट्स एज वेल. सो इट्स अ गुड शॉर्ट क्रिस्प स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी, राइट? And the moral is also very good. Internet has advantage and both disadvantages as well. Path, your story title is Curious for Game. So again, you have written about four kids. बहुत ज़्यादा curious होते हैं. Morning to evening, they always wanted to play game and game. So end of the day, उनमें से एक बच्चे की आँख में problem होनी शुरू होती है. वो again visit to the doctor and doctor उनको चश्मा लगाने को बोलता है. तो again the same thing happened, rest of the four kids got scared off and they started avoiding mobile phone usage. Ek baat to hame manni padegi, the day mobile phone has entered into our life way back in 1996 or beyond that, our life has got changed. There is a drastic change in our life. Let us explore more about the stories. Vanshika, your title is Life Changing Dream. This is a story of a child Winnie, जो एक बहुत छोटी सी बच्ची होती है और बहुत ज्यादा she was fond of playing games on mobiles, chatting on mobiles. हमेशा दिन भर वो mobiles पे ही लगी रहती है. One fine day she found that her mobile phone is missing. वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मेरा मोबाइल कहाँ है. Our mom said कि बेटा मुझे नहीं मालूम कि आपका मोबाइल कहाँ है. इट्स बेटर यू शुड गो आउटसाइड एंड प्ले विद योर फ्रेंड इंस्टेड ऑफ प्लेइंग योर मोबाइल. सो जब उसको मोबाइल नहीं मिलता है, शी वेंट आउटसाइड, अपने फ्रेंड्स के पास जाती है, वहां देखती है, बाहर जाकर एवरीबडी इज बिजी ऑन देयर मोबाइल्स. जब उनसे पूछती है कैन यू प्लीज कम एंड प्ले विद मी, दे डिडंट रिप्लाई, नोबडी रिप्लाई, एंड एवरीबडी वाज यू नो बिजी इन देयर मोबाइल फोन.
शी गॉट लिटिल इरिटेटेड, शी केम बैक. घर आती है, घर आने के बाद देखती है कि मम्मा वॉज ऑल्सो बिजी ऑन द मोबाइल एंड उसको कुछ भूख लगती है एंड मम्मी से कहती है मुझे कुछ खाने को चाहिए. मम्मी भी उसकी बात का रिप्लाई नहीं करती है एंड फाइनली शी गॉट इरिटेटेड, हाईली इरिटेटेड एंड अचानक शी वोक अप. उसकी आंख खुल जाती है, वो देखती है कि वो एक सपना देख रही थी और वो सपना उसको कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है. वो सपना उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग ड्रीम होता है. उस सपने से वो एक चीज सीखती है कि अगर ऐसे ही मैं बिहेव करूंगी और मैं कर रही थी तो शायद सामने वाले पर कितना खराब असर पड़ रहा होगा मेरी पर्सनैलिटी का. सो फ्रॉम दैट डे वो अपना बिहेवियर और मूड चेंज कर लेती है. सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल ड्रीम शी सॉ एंड शी हैज चेंज हरसेल्फ फ्रॉम दैट डे. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी टू योर बी एंड मोरल इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड. मोरल इज स्मार्टफोन्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि वो हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज को रिप्लेस कर दें. वैसे भी हमारी लाइफ में मोबाइल फोन्स हैव रिप्लेस्ड कैमरा, दे हैव रिप्लेस्ड द कैलेंडर विच वी यूज्ड टू हैंग ऑन द वॉल्स, दे हैव रिप्लेस्ड इन फैक्ट द अलार्म क्लॉक, राइट, एंड ऑफ कोर्स पोस्ट ऑफिस जहां हम पोस्ट कार्ड अपने दोस्तों को लिखते थे एंड दैट हैज बीन रिप्लेस्ड वे बैक थ्रू इंटरनेट. सो मोबाइल फोन, डोंट लेट दी स्मार्टफोन्स रिप्लेस आर फैमिली एंड फ्रेंड्स. किसी का बर्थडे खाली एक मैसेज टाइप करके विश करने से काम नहीं चलना चाहिए. एटलीस्ट वी शुड गो एंड एम्ब्रेस, राइट. सो इट्स अ गुड स्टोरी वंशिका. नाउ विनायक, विनायक यू हैव रिटन अ गुड स्टोरी. योर यू स्पीक्स अबाउट there was a time, you speak about the time, there was an older time जब हम लोग parks में जाते थे, एक दूसरे से मिलने जाते थे, अपने neighborhood में जाते थे. Now the time has arrived when we spend much of time on mobile phones, right? So we don't go outside and meet people. So we used to stay at home and वहीं से हम लोग wish कर देते हैं. So this is not done and we should spend time in meeting people and embracing people, right? So it's a good story you have written. Aditya, the little genius, you have written a wonderful story. In fact, rather, you have given a good suggestion. Bad effects of mobile phones. Harmful radiations. It develops tumor among kids. Kids' eyes are at risk because of each and every child. Nowadays, because of the excessive usage of mobile phone, they've started wearing specs. And excessive usage also create a kind of a personality jahan par bacche becomes very angry at times, right, and there is a mental disorder attached to it. And of course kids lose interest in their studies and outdoor games. So very well said Aditya, and we should always ask our parent consent before using mobile phone and we should not use it for long. Very good Aditya, very good. Samanyu, the little champion, you have also written a very good story. The mobile addiction is your title. It speaks about four kids, as the picture says, and they always play mobile phone from morning to evening. They don't bother about the parents instructions and they always keep on playing. वन फाइन डे बच्चे को जब वो बच्चा गॉट फेंटेड और उसको जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी आईज उसकी वीक हो गई है. एंड बिकॉज ऑफ दैट डॉक्टर पूछता है कि क्या करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं. सो उनकी मॉम सेज नो नो दे ऑलवेज बी ऑन द मोबाइल फोन्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड टाइम ऑन मोबाइल फोन. सो दैट इज द ओनली रीजन उनकी आँख कमजोर हो गई एंड रेस्ट ऑफ द अदर किड्स गॉट स्केयर्ड ऑफ एंड दे स्टॉप यूजिंग mobile phone. Neil, wow, Neil, I'm really happy to see your content. You've written your own story. You say I like Disney hero game, but I cannot play because most of the time my phone is busy with my mom because she has her own office work to do, so she needs to complete her work, so I am not able to play my Disney game. Very, very good. But Neil, you need to understand, beta, ki kam se kam humko time consumption karna hai mobile phone mein. You have taken your heart out.
you have, you know, mentioned your own problem. No problem. So anyways, moving at Anvi. Anvi, the little genie, you also have written a very good story. You have mentioned about the four kids, always, you know, busy in mobile games. And you also speaks about the harmful radiation which emits out of the mobile phone, along with the benefits of the mobile phone. So you are balancing the equation because you yourself want to use mobile phone. At the end of the day, you want to speak out in the moral. Mobile phone is the favorite thing in our life, right? So you also acknowledge the knowledgeable videos on the mobile phone. Very good. Very good story written. And moving ahead, Ria, you have also written a very good story. You have written about Rahul, Deepak, Neha and Sunny, four kids. They always busy in mobile phones, morning to evening, always busy in mobile phone games and chatting. But they are very, very obedient kids. उनके पेरेंट्स ने व्हेन दे फाउंड दैट द किड्स आर इन्वॉल्वड टू मच ऑन मोबाइल दे हैव काउंसल्ड देयर किड्स एंड दे एक्सेप्टेड इमीडिएटली देयर एडवाइस राइट बट उस बच्चों में से एक बच्चा ऐसा भी होता है जिसके जिसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं उसको स्पेक्स डॉक्टर एडवाइस करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर किड्स अगेन गॉट स्केयर्ड ऑफ एंड दे मेंटेन दैट हार्मनी की कम से कम मोबाइल फोन यूज करना है गुड स्टोरी रिटन एंड सिया Sia, you have written about Rohit, Prisha, Divya and Virat, four kids. Again, they were prone to the excessive usage of the mobile phones. Always, you know, busy in their mobile phone usage. They don't hear what their parents are saying, what teachers are saying. So every time they are busy in their mobile phones, you know. So, end of the day, out of all of them, one kid, Divya, she got fainted and her mom took her to doctor. So doctor said that ye bachi aage chalke blind ho sakti hai. So her mom got scared off and after returning home with the medicine and specs, baki ke jo uske siblings hain un sab ko ye pata chalta hai and they also got scared off and usi time par wo they throw that mobile phone out of the window. And out of their life, and they understood the whole concept of the mobile phone radiation. Very good story you have also written. Good efforts. I mean, all the kids have given a wonderful effort. I just wanted to point out a couple of things which is very, very important connected to the same stories. At least, bachcho ko ye pata chala ki is story mein mobile phone ka excessive usage ki wajah se. हर बच्चे ने एक चीज कॉमन लिखी है कि डॉक्टर के पास गए आंख कमजोर हो गई ज्यादा से ज्यादा यूजेज से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया सो दिस इज वन थिंग विच इज कॉमन आई एम आइडेंटिफाइंग एटलीस्ट देर इज समथिंग विच इज देर इन देयर सबकॉन्शियस माइंड अगर हम बार बार इन चीजों को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते रहेंगे सो ये बच्चे दे देमसेल्फ विल अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्सेसिव यूजेज ऑफ मोबाइल फोन Now I would like to point out the story covered by India Today, 26th of November 2019. The study says the American Academy of Pediatrics recommended avoiding digital media exposure for the children up to 18 months of the time period of age. So it is very, very important, at least up to 2 years, we should avoid handing over the phones to our kids. It is very, very, very dangerous, right? As per this study, 87% spends much time on mobile phone. They spend 2 to 3 hours on mobile phone, right? Times of India says kids with 3 hours of screen time a day grow up less active. It's an article on 29th of January 2020, Times of India. The study found that excessive screen time in childhood is linked to a range of health problems, including increased risk of obesity and reduced cognitive functions and development. Dr. Yatan Pal Singh Balhara from AIIMS, he says screen viewing, especially at the early age, impacts functioning of the brain, cognitive functions,
सोशल इंटरेक्शन, मूड रेगुलेशन एंड ऑफ कोर्स एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए चाइल्ड. इट इज वेरी वेरी सीरियस. सी द कंटेंट कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेवेन्यू जनरेशन. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. मे बी इट इज अ टेलीविजन और अ मोबाइल फोन. इफ वी टॉक अबाउट अ टेलीविजन, अबव 45 सेकेंड्स, above 45 second records a TRP. It may record the TRP above 45 seconds. So, and of course on the mobile, so they create such kind of content for you, for yourself and for your kids, so that you spend much time on mobile phone, on a screen or on television. दे डू लॉट ऑफ आर एन डी. ये इतनी आर एन डी करते हैं, इतने अच्छे से करते हैं कि आपके बच्चे की साइकोलॉजी क्या है उसके हिसाब से वो कंटेंट डिजाइन करते हैं. वी डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज वी गेट द कंटेंट राइट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन और ए मोबाइल फोन स्क्रीन, बिकॉज द हार्डवर्क दे पुट इन, the kind of work they put in, it is all the R&D based on the psychometric understanding of a child and a parent. So please understand, it is very very important, the early age, it is very very important up to 15 years of age time for any kid for their development. It will be highly dangerous if the kids starts consuming 3 to 4 hours per day on mobile phone, because this is the study which speaks out on the sample of the parent which has been taken in past. So kids will become more prone, they will become non-active in their future performance. So don't worry, we can bring a new change, a new wave in a child's life. We together we can create a different funnel so that they can produce great results. हमारे बच्चों को खाली हम यहीं तक सीमित नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें मोबाइल फोन नहीं देखना है. एटलीस्ट हम उसका कुछ बेटर यूजेज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्टोरीज लिखवाते हैं. इट इज योर किड ओनली, दे आर राइटिंग वंडरफुल स्टोरीज, अनबिलीवेबल वंडरफुल स्टोरीज. एटलीस्ट दे आर यूजिंग देयर माइंड टू कम आउट अ डिफरेंट क्रिएटिव वर्ड ऑल टूगेदर. सिमिलरली वी कैन आस्क आर किड्स टू डेवलप अ काइंड ऑफ अ बैंक विच इज कॉल्ड वोकैब बैंक. They can use the mobile phone, they can see the content, but out of that content they will have to bring different words, and they will have to pin down all those different words in a different bank altogether, a different diary altogether. So this is how we can bring out a positive content out of the usage of the mobile phones. Or similarly, we can keep on interacting, and we can discussing in length. We can keep on interacting and we can come out with a positive results. Thank you so much for staying with us. Goodbye from.